मौसम परिवर्तन के साथ ही जिले भर में मौसमी बीमारियों का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं मौसमी बीमारियों में हुई बढ़ोतरी के बाद राज्य के चिकित्सालय की ओपीडी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हाल ही के दिनों में चिकित्सालय की ओपीडी 4000 का आंकड़ा पार कर गई है। वहीं चिकित्सालय प्रशासन द्वारा भी माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। चिकित्सालय में मलेरिया डेंगू के मरीज तो कम ही सामने आ रहे हैं, लेकिन वायरल बुखार के मरीज सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। मानसून की अच्छी बारिश के बाद सीमावर्ती बाड़मेर जिले में मौसमी बीमारियों का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि रोजाना हजारों की संख्या में मरीज उपचार कराने के लिए बाड़मेर के जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस बार मानसून की अच्छी बारिश हुई तो कई जगहों पर लंबे समय तक जलभराव की स्थिति रही। इस वजह से मच्छरों की तादाद में इस कदर इजाफा हुआ कि अब अस्पताल में मरीजों की भरमार हो गई है। मौसमी बीमारियों के साथ ही डेंगू और मलेरिया ने जिले में अपने पैर पसार लिए हैं। इधर चिकित्सालय प्रशासन का कहना है कि डेंगू और मलेरिया तो काबू में है, लेकिन वायरल बुखार के कारण लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। दरअसल बाड़मेर जिले में बारिश के बाद मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही अस्पताल की ओपीडी औसत 4000 से पार हो गई है। इस संबंध में चिकित्सालय प्रशासन का कहना है कि बारिश के बाद मच्छरों की तादाद में बढ़ोतरी से एकाएक मलेरिया और डेंगू के मरीज सामने आए थे, लेकिन अब स्थिति काबू में है। अब ज्यादा संख्या में मलेरिया और डेंगू के मरीज सामने नहीं आ रहे, जबकि अब राज्य के अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में ज्यादातर वायरल बुखार से पीड़ित मरीज हैं। इन्हें अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। चिकित्सालय प्रशासन का कहना है कि मलेरिया और डेंगू के लिए 600 बेड की व्यवस्था की गई है, हालांकि वायरल बुखार के मरीजों का उपचार हो रहा है। जो है सीजनल डिजीज का जो समय आता है बारिश के बाद में, तो उसमें सीजनल डिजीज के मरीज बढ़ते हैं। उसमें जनरली मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के मरीज ज्यादा होने की संभावना रहते हैं, लेकिन अब की बार खुशकिस्मत है कि मलेरिया तो ऑलमोस्ट एक एक या कभी बहुत रेयरली आ रहा है। डेंगू भी बहुत ही कम संख्या में रिपोर्टेड हो रहे हैं, लेकिन दूसरी वायरल फीवर वायरल का जो है हाई ग्रेड फीवर के पेशेंट आ रहे हैं, जो 2 से 3 दिन लगते हैं उसको ठीक होने में। तो इस तरह के पेशेंट अभी हॉस्पिटल में आ रहे हैं और उनको अभी हाल फिलहाल अपने पास बेड की संख्या जो है सफिशेंट है और अच्छी तरह से उनका हैंडल किया जा रहा है। हाँ, भीड़ बिल्कुल ज्यादा है, क्योंकि कल की अगर अपन ओपीडी देखें तो करीब 4680 की ओपीडी रही है, और इससे मरीजों के साथ अगर अटेंडेंट एक एक दो दो भी आते हैं तो ये करीब 15,000 के आसपास टर्न और एक हॉस्पिटल का होता है, जो बहुत ही बड़ा है और उसके कारण थोड़ी बहुत तो गंदगी और इस तरह की रहती है, लेकिन एज ए होल अगर देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी को आसानी से ट्रीट किया जा रहा है और सभी को तो इलाज किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पहले से थे और 30 बेड हमने और खोल दिए हैं, हालांकि उसमें अभी तक घटती नहीं हुई है पेशेंट, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो करीब करीब 600 बेड के आसपास जो है, अभी चिकनगुनिया का कोई मरीज नहीं आया। फिर डेंगू के रोजाना दो तीन मरीज आ रहे हैं। बाकी कम करने के लिए देखो, ऐसा है कि हमारी पर्ची काउंटर के बाद में डॉक्टर का लाइन, डॉक्टर की लाइन के बाद में जांच की लाइन के बाद में फिर डॉक्टर और फिर डीडीसी के लिए। अगर हम पर्ची की 2 काउंटर या 4 काउंटर बटा के जैसे पेशेंट आते हुए हम उनको दे देंगे कि हाँ ये पर्ची कट गई, तो फिर वो डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी लाइन वहाँ लग जाएगी। तो एक इक्वल मेंटेनेंस रखने के लिए भीड़ को ये कितनी प्रक्रिया निकलनी चाहिए, वो उस हिसाब से सिस्टमिक ढंग से बढ़ाया। बाड़मेर में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से शहरवासियों के साथ ही ग्रामीण अंचलों से लोग मौसमी बीमारियों की चपेट में आ गए हैं। फिलहाल वायरल बुखार के चलते रोजाना हजारों की संख्या में मरीज उपचार के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में अकेले में ही 4000 से ज्यादा मरीज रोजाना उपचार के लिए आ रहे हैं। इस अस्पताल में हर समय भारी भीड़ का माहौल बना रहता है। चिकित्सकों का कहना है कि बदलते मौसम और मच्छरों की तादाद को देखते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।